नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दीपावली का 5 दिन का पर्व आने वाला है और इन 5 दिनों के पर्व में आप क्या उपाय करते जा रहे हैं कर सकते हैं, उस पर हम अलग-अलग वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ नरक चतुर्दशी पर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रम है कि नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और काली चौदस ये एक ही हैं। नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन काली चौदस का मनाने का तरीका और दिन अलग होता है। कई बार वो नरक चतुर्दशी वाले दिन मनाई जाती है, कई बार उससे एक दिन पहले भी मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, साथ ही उसके बंदी गृह में कैद 16,100 कन्याओं को भी मुक्त करवाया था, जिनका विवाह फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ किया गया। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस बार जनरली तो ये होता है कि नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह का मुहूर्त है, नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी दिवाली वाले दिन ही मनाई जाएगी, यानी 27 अक्टूबर 2019 को। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व इस दिन स्नान करता है वो नरक की यातनाओं से बच जाता है। इसे अभ्यंग स्नान के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में नरक चतुर्दशी पर आप क्या उपाय कर सकते हैं और क्या ऐसी रेमेडीज हैं जिससे आप अपने अभ्यंग स्नान को भी अच्छे से कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस दिन दीपदान की भी बहुत महत्वता है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी भी रेमेडीज और जितने भी फेस्टिवल्स पे जो उपाय बनते हैं वो आपको 2 या 4 दिन पहले ही आपके साथ शेयर कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो उस वजह से एकदम वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल और नोटिफिकेशन ऑन रखे होंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभ्यंग स्नान की मैं आपको बात कर रहा था। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन अभ्यंग स्नान करने से ये कहा जाता है कि आपकी सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बेनिफिट नहीं होता आपको, आपको आपके सभी प्रकार के पापों का नाश भी होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। वैसे भी कार्तिक मास के महीने में मौसम में बदलाव होता है, जिससे शरीर आसानी से रोगों को पकड़ लेता है। अभ्यंग स्नान में तिल के तेल की मालिश की जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और इससे रूप भी निखर जाता है, इसीलिए इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग जोड़ों के दर्द से प्रभावित हैं, जिनको जोड़ों के दर्द से बहुत परेशानियां हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि नरक चतुर्दशी के दिन वो अभ्यंग स्नान अवश्य करें। अभ्यंग स्नान की विधि, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभ्यंग स्नान किस तरह से करना है, फिर मैं आपसे बात करूंगा नरक चतुर्दशी पर आप क्या उपाय कर सकते हैं। अभ्यंग स्नान करने के लिए सबसे पहले नरक चतुर्दशी के दिन यानी 27 अक्टूबर, क्योंकि इस बार नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद सिर से लेकर पैर तक अच्छी तरह से तिल के तेल की मालिश करें। अब समय का जहां तक सवाल है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अभ्यंग स्नान मुहूर्त इस बार 27 अक्टूबर 2019 को 5:16 सुबह से लेकर 6:29 सुबह तक रहेगा, यानी ये मुहूर्त 1 घंटा 13 मिनट रहेगा। तो आप इसी दौरान ये स्नान जरूर करेंगे।
आपने एक बार तिल के तेल की मालिश कर ली, इसके बाद पानी में रीठा या शिकाकाई और आम के थोड़े पत्ते डालकर पानी को उबाल लीजिए। पानी को उबालने के बाद एक अपामार की जड़ लीजिए, उसको पूरे शरीर पर घुमाएं। अगर सपोज आपको किसी केस के अंदर अपामार की जड़ नहीं मिल पाती, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके बिना बाकी सब गतिविधि कर लें और ये इसको आप छोड़ दें। इसके बाद रीठा और या शेकाकाई वाले गुनगुने जल से स्नान कर लें। स्नान करते हुए यम का स्मरण जरूर करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कुमकुम का अपने माथे पर तिलक करें। अभ्यंग स्नान से मन को शांति और शरीर के रोग समाप्त होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर हो सके तो जरूर करें। स्नान करने के पश्चात जब आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगा लेंगे, कुमकुम का तिलक जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो दक्षिण दिशा में मुख करके तिलयुक्त जल की, यानी जल में थोड़े से तेल डाल लीजिए, उसको हाथ में ले लीजिए, तीन तीन जलांजलि देंगे। इसे यम तर्पण कहा जाता है। इससे वर्ष भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के पश्चात जब आप ये जलांजलि दे देंगे, तो यम के 14 नामों का आपको स्मरण करना है और तीन तीन बार हर नाम का स्मरण करना है। वो 14 नाम आपको आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्म राजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम व्यवस्थवाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृक्कोदराय नमः, ओम चित्राय नमः और ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये सब गतिविधि करने के बाद सायंकाल में यमराज को दीपदान करने का भी विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन सायंकाल घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 4 बातियों का एक दीपक बनाइए। ये 4 बातियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को डिनोट करती हैं। ये 4 बातियों का आप दीपक जलाएंगे घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ। धर्मराज का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान कर देंगे। या तो इन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं या आप इसे पीपल के पेड़ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपसे बात करी अभ्यंग स्नान की क्या विधि होगी जो आप नरक चतुर्दशी के दिन करेंगे। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि दिवाली के दिनों में अगर आप धन प्राप्ति के कुछ उपाय करते हैं तो उनके फलीभूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए मैं आपके साथ 2 चीजें शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली के पैकेट की पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति भी होगी और घर में धन संचय होगा। दूसरी बात, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान वामन और राजा बलि का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। वामन पुराण की कथा के अनुसार जब राजा बलि के यज्ञ को भंग करके वामन भगवान ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब राजा बलि के द्वारा मांगे वर के अनुसार जो मनुष्य इस पर्व पर दीपदान करेगा उसके यहां स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, ये वरदान दिया था भगवान ने। तो जरूर ये उपाय करें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, काली चौदस पे कुछ तांत्रिक उपाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलग से एक वीडियो में, क्योंकि काली चौदस इस बार 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। काली चौदस के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिंक में बाद में हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपको नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।